दोस्तों, मैं प्रोफेसर और मैं आप सभी के लिए कक्षा छः की गणित लेकर आया हूँ। आज हम अध्याय नंबर दूसरा का सी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अभ्यास देखते हैं। अभ्यास दूसरा का सी है ये हमारा। इसमें क्या है दोस्तों, हम सिर्फ आपको समझाएंगे कि किस तरह हल होगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा हमें करने की जरूरत नहीं, इसे आप खुद से ही करेंगे, ठीक। तो हमारा इसमें पहले क्या है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संख्या के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो इसमें पहला क्या है, 468 गुणे जीरो, तो ये हमारा ये देख सकते हैं 468 गुणे जीरो। तो अगर हम 468 में जीरो को गुणा करेंगे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, हमारे यहाँ आ जाएगा जीरो, ठीक है। दूसरा क्या है, 8976 गुणे 5432, 8976 गुणे 5432, तो ये हमारा बराबर दिया है। हमें दोनों साइड का बराबर करना है, तो हमारा एक तरफ का बराबर है, ये हमारा 5432 इधर भी है, इधर भी है, और हमारा 8976 अगर इधर लिख देंगे, ये हमारा दोनों साइड का बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा तीसरा क्या है, तीसरा है 8973, 8973 गुने एक, 8973 में एक गुना होगा तो वही आ जाएगा, ठीक, सिंपल सा है। दूसरा देखते हैं सवाल फटाफट। निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, ठीक। निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या है, 4 × 2834 × 25, इसमें 4000 मतलब इसमें उचित प्रगुण गुणनफल का प्रयोग करके कहा है, मतलब गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके करने के लिए कहा है। तो इसमें क्या होता है, इस विधि में यदि हम इसको या फिर 25 को 4 से गुणा करें या इसको इससे गुणा, चाहे जिससे गुणा करें, हमारा आंसर वही आना चाहिए। तो आप इसे भी गुणा कर लीजिएगा, तो आप इसी तरह दूसरा तीसरा ये सब लगा दीजिए। फिर तीसरा देखते हैं, वितरण प्रगुणों का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, इसे आप सिंपली गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इसमें एक संख्या और होता तो हम इसमें इसके फॉर्मूला जो है, नियम सूत्र, इसे ज़रूर लगा दें, ठीक है। तो इसके नियम के बारे में, इसे आप पहले सिंपली गुणा कर लीजिएगा इन चारों को, जारों को गुणा करने पर आपका आंसर आएगा वैसे ही होगा, ठीक। तो इसी के साथ चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। अगले चैप्टर पे अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार।